सुविधा मिलेगी प्रयागराज के लोगों को, और इस पूरे अगर बात करें नॉर्थन सेंट्रल रेलवे से जो सफर करते हैं इस जोन से, हमें लगता है इससे बहुत सुविधाएं मिलेंगी। एक्सलेटर और हमारी लिफ्ट जो चलेंगी, इससे हमारे आने जाने वाले जनमानस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सुविधाएं भी हैं, रात बिरात दिन और स्टेशन की साफ सफाई, और अधिकारियों का भी बड़ा बहुत बड़ा रोल है इसमें काम करने का। तो प्रयागराज तो पूरे देश में एक ऐतिहासिक जनपद है। गंगा यमुना सरस्वती, हमारे यहाँ विश्व का मेला लगता है। इन सुविधाओं निरंतर सुविधाएँ मोदी जी के राज में बढ़ती चली जा रही हैं। हम बधाई देते हैं भारत सरकार को कि ऐसी सुविधाएं हमारे पूरे देश में चारों तरफ बढ़ाई जा रही हैं। और जहां पे पहाड़ों पे हमारी ट्रेनें नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां पे टनल बन रहे हैं। अभी मोदी जी के राज में 120 टनल 2014 से अब तक बन रहे हैं, लगभग तैयार हो गए हैं। इसलिए हम अपनी सरकार को बधाई देते हैं और अधिकारियों को मजबूती से काम करने का भी धन्यवाद करते हैं। आप सभी से निवेदन भी है, इधर देखिएगा, इधर क्या मोबाइल आगे आप जो कर रहे हैं करता हूं। मैं यहां उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों, डीआरसीसी मेंबर्स, डीआरसीसी मेंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया, हमारे उपस्थित उत्तर मध्य रेलवे एवं यहां उपस्थित अन्य यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। ये एक चिर प्रतीक्षित देखिए, प्रयागराज जंक्शन हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है और कई मानों में अग्रणी भी रहा है। और आपको पता है कि NCR का ये मुख्य हमारा हेडक्वार्टर है। तो आज यहाँ पर अन्य सुविधाओं के साथ साथ जिस तरह से रेलवे में क्रांतिकारी सुधार हो रहे हैं, उसमें आज एक यहाँ पर ई चार्टिंग और एस्केलेटर और लिफ्ट का उद्घाटन हम लोगों ने किया है। यह सुविधाएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। आज हमारे प्लेटफॉर्म्स, हमारे स्टेशंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। और प्रयागराज हमेशा से ही अपनी साफ सुथराई के लिए, अपने एफिशिएंसी के लिए काफ़ी जाना माना है। इंडियन रेलवेज का जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है, जिस तरह से फ्रेट कॉरिडोर्स बने हैं, जिस तरह से पैसेंजर ट्रेन्स को तेज़ किया जा रहा है, जिस तरह से डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन्स हो रहा है, तो ये सारे जो हैं वो स्पीड के साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एनहांस्ड कनेक्टिविटी, उसको स्पीड अप कर रहा है। और सबसे ज़्यादा आज हमारे खासतौर से किसानों के लिए ये जो फ्रेट कॉरिडोर से अनाज के का जो आवागमन है उसको बहुत ज़्यादा स्पीड मिल रही है, मिनरल्स को मिल रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये सुविधाएँ जो जन सुविधाएँ हैं यह बहुत आगे जाएंगी। और रेलवेज़ का डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, ये और भी खुशी की बात है। तो आज हम रेलवेज़ को बधाई देते हैं कि यहाँ के GM DRM और यहाँ के सीनियर DCM वगैरह के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। मिनिस्टर ऑल्सो डिब्बे के सामने खड़े हैं, कब चप्पी चिपकेगी, कब हम देखेंगे, कब बक्सा रखेंगे, कब चढ़ेंगे और कब जाएंगे। तो आई कॉम्प्लीमेंट डिपार्टमेंट रेलवे का कि आप लोगों ने इसको शुरू किया। और आपको एक बार और बताऊं, भारतवर्ष का पहला मंत्रालय ऐसा है जिसका कंप्लीट डिजिटाइजेशन हो चुका है, और वो रेलवे। रेलवे की और भी, क्योंकि मैं राजभाषण समिति की संयोजिका हूँ, मैं कहती हूँ अगर हमारी राजभाषा का संवर्धन, अगर हमारी राजभाषा का एक्ट जो हमारा बना हुआ है नियम अधिनियम